तेरी खामोशी में झांका जो मैंने तो डूबा डूबा डूबा। इनसिक्योर थी कि कहीं मेरे जलाल उसे ही ना छोड़ दे। लेकिन बेटा वो तुम्हारा शौहर है, तुम्हारी बेटी का बाप है, समझने की कोशिश करो मेरी जान। तो फिर हम साथ क्यों नहीं रहते? वो कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगी। उन्हें लगता है कि मैंने मीर जलाल से पैसों के लिए शादी की है। मुझे नहीं चाहिए किसी के पैसे, मैं खुद पालूंगी अपनी बेटी को। आप ये पैसे वापस भिजवा दें। देखो बेटा, क्यों रोज वो झगड़ा करना अच्छी बात तो नहीं है ना? अब नहीं होगा कोई झगड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सजा ठीक है? अल्लाह का शुक्र। कहाँ गया था तू? कहाँ गया था तू? काम के सिलसिले में बाहर गया था। क्यों, क्या हुआ, वैसे क्यों पूछ रही है? ये घर के कोनों में छुप छुप कर किससे बातें कर रहा था? काम की कॉल आई थी इसलिए साइड में चला गया ताकि तू डिस्टर्ब ना हो। अब किस बात का गुस्सा है भाई? तुम्हारे लिए मैंने कहा सज्जो ना डिस्टर्ब हो, तू ना डिस्टर्ब हो, इसलिए साइड में चले गया। देख जवाब, मैं तुझे बता रही, अगर तू दोबारा उस चुड़ैल कलसुम से बातें कर रहा है ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद है ना तुझे वो औरत जिसने अपने शोहर को मारकर उसका सालन बना दिया था? इधर हड्डियां मिलेंगी, गोश की उम्मीद ना रखना। दिखा मुझे फोन। क्यों? दिखा मुझे फोन। देखा, मेरा शक बिल्कुल सही था, सब कॉलें डिलीट हुई है। तो उसी से बातें कर रहा है ना, उसका तो मैं खून पी जाऊंगी। फूलन देवी, क्या हो गया तुझे? कुछ है उसमें जो ऐसे बात, क्यों ऐसी बातें कर रही है? तू झूठ बोल रहा है और उसी कमीनी कलसुम से चक्कर चला रहा है तू दोबारा। अरे 9 महीने से ऐसे कॉन्टेक्ट में नहीं हूँ, पागल हो गया क्या? वो इसलिए क्योंकि उसका शौहर सऊदीया से वापस आ गया। खुदा का वास्ता है, बस कर दे। मुझे सज्जो सज्जो की कसम, मेरे उसके बीच में कुछ नहीं। देख तू कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर रहा ना? जवाब मैं बता रही हूं, मैं बहुत मुश्किल से सज्जो का ख्याल रखती हूँ। अगर तू दोबारा अस्पताल चला गया ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। पागल हो गया क्या? मुझे नहीं दिखाई देता कि सज्जो की हालत बिगड़ती जा रही है। तुझे क्या लगता है, मुझ में एहसास नहीं, मैं उसका बाप हूं? क्या कर रहा है तू? कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर रहा ना? अरे कुछ नहीं ऐसा वैसा कर रहा, कुछ इस मैसेज मिली हैं जो सिक्योरिटी कंपनी खोलना चाहती है, पार्टनर बनाना चाहती है मुझे, पार्टनर। जवाब तू क्यों इतनी भाग दौड़ में लगा हुआ है? मेरी मान, भैया के साथ वो सिक्योरिटी की दुबई में। नहीं बनना मुझे सिक्योरिटी गार्ड। मैंने कहा ना इनके साथ अच्छे पैसे बनेंगे, फिर हम ढंग से सज्जो का इलाज करवाएंगे। बात तू इन अमीर लोगों को नहीं जानता, हम जैसों को खा जाते और डकार भी नहीं लेते। बस कर दे यार, तेरा लेक्चर सुनने के लिए बैठा हूं, तू करवा कर आती है। नहीं बनना मुझे खुदा बख्श जैसा नकीर का फकीर। हालत देखिए उसकी, इलाज कराने तक के पैसे नहीं है उसके पास, सारी जिंदगी ड्यूटी की, क्या मिला उसे? नहीं गुजारनी मुझे उस जैसी जिंदगी। पे भरोसा नहीं? भरोसा नहीं? दिन बदलने वाले हैं हमारे, सच्चों का इलाज करवाएंगे, ये शहर छोड़ देंगे, चले जाएंगे हम ट्रेन। तू सच कह रहा ना? चल खाना खा। हाय अल्लाह, मेरी रोटी जल गई। सारी जिंदगी हो गई, रोटी बनानी नहीं आई। तू ना उस कलसुम के हाथ की रोटियां खाना बस। तौबा, क्या करने लगी थी और क्या कर रही?
ले दे, तेरे चक्कर में सज्जो का खाना ही रह गया। दाल अच्छी है। छोड़ अभी जो है ना, बाद में तुझे रोटी देती हूँ, मैं सज्जो के लिए रोटी ले जाने दे। बस अब जली भी खा। ये पेंटिंग मैंने तानिया की 22nd बर्थडे पे बनाई थी। इट्स ब्यूटीफुल। मुझे पता ही नहीं था कि ये मेरा उसे आखिरी गिफ्ट होगा। आपने मुझे अप्पा के साथ जाने क्यों दिया? तब जाने भी दिया तो why didn't you stay in touch? छोटी थी, मेरी कौन सुनता। कोशिश तो की होगी ना आपने। बहुत रोई थी, लड़ी थी, झगड़ी थी, लेकिन मैं टीनेजर थी और वो एक अमीर आदमी था। तुम्हारी नानी को भी लगता था कि वो तुम्हें हमसे ज्यादा बेहतर फ्यूचर दे सकता है। कल को मेरी शादी हो गई तो तुम्हारा क्या होगा? डरती थी वो। तानिया की मौत ने उन्हें वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। यह आदमी मसला बनता जा रहा। मैं तो क्या करूं मां? भेजो किसी को इसके पास, समझाए अच्छी तरह। आपने भेजा था ना मां, समझ आई उसे? तुम भी उसकी बातों में आ गए। तो आपने बंदा नहीं भेजा था उसे ठिकाने लगाने के लिए? तुम अपनी मां पर इल्जाम लगा रहे हो। सवाल कर। अगर तुम्हें सवाल पूछने की जरूरत पड़ती है तो इसका यह मतलब है कि तुम मुझ पर यकीन नहीं करते। मैं तो बस सिर्फ इतना जानता हूं कि आपकी ख्वाहिश और आपके इरादे के आगे कोई खड़ा नहीं रह सकता। मेरी ख्वाहिश और इरादा सिर्फ इस घर की सलामती और वकार है। मैंने तब जो कुछ किया था तुम्हारी भलाई के लिए किया था, और सच्चाई तुमने खुद अपनी आंखों से देखी। क्या ये सच नहीं? मीर जलाल, अगर मैं ना होती तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती। आपको किसने कह दिया कि मैं बात? दोनों की कॉन्स्टेंटली लड़ाइयां हो रही और अचानक मामा का एक्सीडेंट हो जाता है। ये टाइमिंग थोड़ी अजीब नहीं है? मौत की कोई टाइमिंग नहीं होती अनीसा, कभी भी आ सकती है। बट स्टिल इट्स सो स्ट्रेंज, आपको नहीं लगता? सारी बातें आज ही पूछ लोगी, इतने दिन बाद मिले हम, फिर आने का इरादा नहीं है? उस लड़के ने सारा काम खराब कर दिया, वरना मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। आप अगर चाहें तो मैं आज रात को काम खत्म कर सकता हूं।
क्या कर रही हो? कहां जा रही हो? मैं ना आज के घर ऐसा क्या हो गया? सीरियसली तुम अब भी मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हो गया? हम बात कर रहे हैं, हर मसले का हल होता है। ये कोई छोटा मोटा मसला तो नहीं है ना चला? Your life has been a bloody lie. Maro, please. Jalal, I tried. I really did. मैंने सोचा था मैं सबके साथ कोप कर लूंगी, मैं बातचीत से ही मैं इसे हैंडल कर लूंगी। I can't यार, I just can't। हाँ, we can work this through, you know that, right? जब भी मैं सोचती हूँ We can work this through. We will get through this. एक नई बात मेरे सामने आ जाती है. How am I supposed to get through this? देखो, हमने अपनी जिंदगी के ऑलमोस्ट 30 साल साथ गुजारे हैं, 30 साल, और इतने सालों में जो खुशी थी, जो प्यार था, वो असली था, झूठ नहीं था। I have loved you with all my heart. तो कैसे इतने आराम से हमारी रिलेशनशिप Don't do this. आराम से। You think this is easy for me? This is the toughest decision of my life. ठीक कह रहे हो? एक पूरी जिंदगी साथ गुजारी हमने। And most of it was happy. And you say आराम से? I'm doing this आराम से? देखो, हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है, खुशी में, गमी में, through thick and thin. Please, I need you the most at this time. Please, it's different this time, Jala. क्या डिफरेंट है? रिस्पेक्ट नहीं करती तुम्हें। तुम वो आदमी नहीं हो जो मैं सोचती थी कि तुम हो। Do you still love me? मेरी साइड ड्रॉअर में दवा की नई बॉटल रखी है, उसे खोलो तो दूसरी मंगवा लेना, इस तरह अचानक खत्म नहीं होगी। Thank you.
कहाँ जा रही हैं? मैं नास के घर। खाला तो ह्यूस्टन में है। इवन बेटर ना। आई वॉज होपिंग कि मेरी तुमसे मुलाकात ना हो बेटे। आई वुड हैव कॉल्ड यू। मैं तुम्हारे लिए रुकना चाहती थी अनीसा। But I can't. I just can't now. हम यहाँ रह के भी तो लड़ सकते हैं ना? मैं नहीं लड़ना चाहती अनीसा। मैं इस वक्त किसी से कुछ अरसे तक नहीं लड़ना चाहती। I can't even look at him right now. वापस कब आएंगी? तुम जब दिल चाहे खाला के घर आ जाना मुझसे मिलने। अम्मा मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। तुम चलो मेरे साथ चलो। नहीं हार जाऊंगी। I have to stay here. सच ढूंढना है ना मुझे। It's all right. I'll be fine. I know you have to go. I know you need a break from all of this. It's okay. I'll come see you. मैं मिलने आऊंगी। Sorry. It's all right. It's all right. Okay. I will call you. Okay. You take care of yourself. अभी नहीं अनीसा, अभी नहीं। चली गई वो। हाँ आपने रोका। तुम्हें क्या लगता है? नहीं रुकते। मेरे कहने से भी नहीं रुके। आज वो किसी के कहने से नहीं रुकते। आपको लगता है वो वापस आएंगी? पता नहीं। Have you lost her? शायद। अब मुझे नहीं पता। मुझे क्या पता आगे क्या होगा। वो अभी भी यही है। आई डोंट नो आप उनका दिल दोबारा कैसे जीतेंगे, लेकिन ये मौका है आपके पास उनसे सच बोलने का। मैंने तुम दोनों को जो मोहब्बत दी, जो डेडिकेशन मैंने अपनी फैमिली को दी, वो काफी नहीं है क्या? 27 साल पहले जो हुआ वो ज्यादा अहम है। मेरा एक माजी है, हर एक का होता है। मेरी पहले शादी हुई थी, नहीं चली। वजह कोई भी हो बस नहीं चली। बहुतों की नहीं चलती। और फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले आया। गलत किया क्या? मैं तुम्हें वहीं छोड़ देता। आई शुड हैव अबैंडन्ड यू, लेफ्ट यू। वो ठीक था,
हाँ ठीक है, मैंने तुम दोनों को नहीं बताया, लेकिन ये फैसला मैंने हम लोगों की जिंदगी के लिए किया था, सो दैट वी कुड लिव अ हैप्पी पीसफुल लाइफ। गलत किया, ये गलत किया मैंने क्या? मुझे जज करने से पहले क्या कभी तुम दोनों ने अपने आप को मेरी जगह रख कर देखा? Have you ever tried to see and feel what I have gone through? लेकिन अब्बा आपने बस बस अनीसा, मुझे और कुछ नहीं सुनना। Please leave me alone. मुझे अकेला छोड़। आपको किसने कह दिया कि मैं बाद? अम्मा, मैं ये पहन लूँ रानी की शादी के लिए? खबरदार, अभी ना हाथ लगाना इसको। क्यों? अभी क्यों नहीं? अभी तो बहुत छोटी है। तो बड़े होकर क्या हो जाए? बड़े होकर तो वैसे भी पहनना है तुझे ये, हमेशा। हमेशा क्यों? जब मर्जी होगी तब पहनूंगी। मर्जी? बड़े होके मर्जी नहीं रहती फिरदौस, सिर्फ जिम्मेदारी होती है। ये जिम्मेदारी क्या होती है? कोई एक जिम्मेदारी थोड़ी होती है हम पे। चलो अम्मा, तुम एक ही बता दो। इज्जत। इज्जत होती है सबसे बड़ी जिम्मेदारी, समझी? तो ही पा
लेते तुम थाम लेते उठते कदम तेरे लिए ही ठहरे थे हम ना मिट सकी कोई हद खामोशी की दोनों की चुप भी वही की वही है तू भी वही में झांका जो मैंने तो डूबा 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 कुछ कह न पाया तेरे मन में झांका तो खुद को ही पाया मैं टूटा फूटा तेरा दिल जोड़ न पाया खामोशी में झांका जो मैंने तो डूबा 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 तेरी खामोशी में झांका जो मैंने तो डूबा 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 कुछ कह न पाया तेरे मन में झांका तो खुद को ही पाया मैं टूटा फूटा तेरा दिल मैं पाक सरजमीन हूँ क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।